डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशली जितने भी स्टूडेंट रहते हैं जिनको बैक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछने रहते हैं, वो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर बैक किस प्रकार से लगती है, बैक में पास कैसे होते हैं, ईयरली में बैक कैसे लगती है, सेमेस्टर में बैक कैसे लगती है, कितने बैक के बाद में हमें डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है, साथ ही में हमें एक तरीके से जो बैक से किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, बैक में पास होने का जो मेथड रहता है वो किस प्रकार से क्या कुछ रहता है, पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। फर्स्ट में तो देखिए, आपको बोलना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बोलना चाहूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि उनको भी इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पता लग पाए। देखो, इतनी जो डीपली इन्फॉर्मेशन है आपको कोई नहीं देगा जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक तरीके से मार्कशीट के आधार पर भी बता दूंगा कि कितने नंबर आपको जैसे पास मार्किंग चाहिए होते हैं, क्योंकि बैक काफी देखो कॉमन रहता है। अगर आप जैसे ग्रेजुएशन करोगे, फर्स्ट ईयर करोगे, सेकंड ईयर करोगे, थर्ड ईयर करोगे, तो आपका कॉमन रहता है कि बैक तो लग ही जाती है, बाय चांस लग ही जाती है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर पढ़ाई करते हो, तो रहता है, कॉमन रहता है कि शायद नहीं लग पाए। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं, 75% जो स्टूडेंट रहते हैं, उनके किसी ना किसी सब्जेक्ट में लग ही जाती है। फर्स्ट में तो पता नहीं रहता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट एक तरीके से स्कूल से निकले हुए रहते हैं और उनको एक तरीके से स्कूल का ही मेथड पता होता है, लेकिन कॉलेज का नहीं पता होता है। जब तक उनको समझ में आता है उतने उनका रिजल्ट आ जाता है और उनके बैक लग जाती है। अब बैक से एक तरीके से छुटकारा पाने का क्या इलाज है, तो वो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। देखिए, फर्स्ट में बात करता हूँ यहाँ पर सेमेस्टर की। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला, उस पर शायद 35 से 40 हज़ार आपके व्यूज़ भी है, और उस वीडियोज पर मतलब कि लगातार पर डे कोई ना कोई एक तरीके से कमेंट आ ही जाता है कि सर जैसे मेरे दोस्त के बैक लग गई है या मेरे लग गई है, तो उससे किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं या किस प्रकार से बैक को क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर मैं ईयरली की भी बात करूँगा, सेमेस्टर की बात करूँगा, सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं सेमेस्टर की। देखिए, एक चीज में पहले जो डाउट है ना आपके माइंड में, जो साइकोलॉजी बनी रहती है कि जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो भी फेल होते हैं, तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाता है, उनको बार बार मौका दिया जाता है अपनी बैक को क्लियर करने का। जैसा कि मान लीजिए आपने अपनी फर्स्ट ईयर कर रहे हो, जैसे आपने 12th पास की, कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद में आप अपनी स्टडी है वो कंप्लीट करने लग गए। जैसे आप बीएससी कर रहे हो, सेमेस्टर से आपको पता है कि 3 साल की बीएससी होगी तो 6 सेमेस्टर आपके कन्फर्म है, बीसीए कर रहे हो, 3 साल की बीसीए है तो 6 सेमेस्टर आपके कंप्लीट है, कंफर्म है। तो इसी के बाद में जैसे आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हो, तो बीएससी फर्स्ट ईयर करने के बाद में आपके जैसे बाय चांस आप किसी सब्जेक्ट में जैसे कमजोर रह गए हो, जैसे आपके केमिस्ट्री में बैक लग गई या आपके फिजिक्स में बैक लग गई, जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट रहते हैं या फिजिक्स में जैसे 3 पार्ट है, तो फिजिक्स में जैसे किसी एक सब्जेक्ट में आपके बैक लग गई। अब आप सोचते हो कि ये बैक है वो मैं कैसे क्लियर करूँ। एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो सेमेस्टर सिस्टम रहता है इसमें बैक कभी भी मतलब कि फेल किसी भी हालत में नहीं किया जाता। आपको 3 से 4 मौके दिए जाते हैं, जैसे कि आप मेन रिजल्ट में फेल हो जाते हो या आपके बैक लग जाती है, तो उसके बाद में आपको एक और मौका दिया जाता है। अगर फिर से उसमें बैक लग जाती है, जैसे फिजिक्स के एक सब्जेक्ट में आपके बैक लग गई, फिर दोबारा से आपने उसका पेपर दिया, पेपर देने के बाद में वो पेपर आपका कब होता है ये भी काफी छात्रों का डाउट रहता है। तो वो पेपर आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बैक लगी किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स के एक सब्जेक्ट में आपके बैक लग गई, और जब आपका सेकंड ईयर का पेपर होगा, सेकंड ईयर के पेपर के साथ आपका जो बैक पेपर है वो लिया जाता है, ऐसा शेड्यूल रहता है, और उससे पहले ही आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो भरवा लिए जाते हैं। देखो, ईयरली की बात अलग रहती है, लेकिन सेमेस्टर में अप्रोक्सली आपके जो एग्जाम फॉर्म की फीस रहती है, जैसे बैक फॉर्म की फीस रहती है, वो आपकी 400 या 500 के अप्रोक्स रहती है, इससे ज्यादा तो नहीं रहती, लेकिन वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना रुपए लेती है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यह चीज आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद में एक बार मैं आपको मार्कशीट के आधार पर समझा देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए जैसे फिजिक्स का कोई सब्जेक्ट है जिसमें टोटल आपको जैसे टोटल जैसे 54 नंबर है, 54 नंबर आपको पास मार्किंग चाहिए, जैसे 18, 18, 36, 18, 54 जैसे 3 सब्जेक्ट है तो 54 नंबर आपको पास मार्किंग चाहिए। अब इसमें क्या रहता है, जैसे 3 सब्जेक्ट में आप जैसे 2 सब्जेक्ट में भी जैसे टोटल जैसे एक सब्जेक्ट में आप 36 नंबर ले आए और दूसरे में आप 18 ले आए और तीसरे सब्जेक्ट में आपके 0 नंबर
नंबर है तो भी आपको पास कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कन्फर्म नहीं रहता कि तीनों सब्जेक्ट में आप बराबर नंबर लेकर आए हैं, यानी कि 18, 18, 18 बराबर नंबर लेकर आए हैं, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं रहता है। अगर आपके दो सब्जेक्ट में भी पूरे 54 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। तो ये पूरा फंडा रहता है इस चीज का, बाकी आपको मार्कशीट के आधार पर भी ये चीजें मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब उसी के बाद में सेमेस्टर में और क्या रहता है, सेमेस्टर में आपको फेल नहीं किया जाता, 3 से 4 बार का मौका आपको दिया जाता है। बाकी आप एक चीज को ध्यान रखिए, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई तो आप उसको सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स से पहले या एग्जाम्स के बाद में उसको क्लियर कर सकते हो। उसमें भी बैक लग जाती है तो आप फाइनल के साथ उसको क्लियर कर सकते हो। आपको 3 मौके दिए जाते हैं, अगर चौथी बार भी आपके बैक लग रही है तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके जैसे फाइनल में बैक लगती है, फाइनल में जैसे ज्यादातर सब्जेक्ट रहते हैं उनमें अगर बैक लग जाती है तो आपको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में डाल दिया जाता है, यानी आपको वहां पर पास नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में डाल दिया जाता है। और ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर जब आपके नंबर कम रहते हैं तो आपको रिवेल्यूशन यानी पुनः मूल्यांकन का ऑप्शन दिया जाता है, साथ ही में अगर आपके सप्लीमेंट्री जैसे नंबर कम रहते हैं तो सप्लीमेंट्री का भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद में आपके बैक वगैरह लगती है तो बैक का ऑप्शन यानी जो ड्यू पेपर रहते हैं उनको आपको क्लियर करना रहता है। अब इसी के बाद में यहाँ पर बात करें ईएलडी की, ईएलडी का भी मैं क्लियर कर देता हूँ आप सभी छात्रों को। जैसे काफी छात्रों के लगातार कमेंट भी आते हैं कि सर जैसे 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई, 4 सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो ये बैक प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्यूशन करें, इसका कैसे क्या रहेगा। और देखो बैक का सीधा सा लफड़ा ये रहता है, और बैक में जो एक तरीके से पेपर बनता है, जैसे एक तो मेन पेपर आता है जिसमें आपकी बैक लग गई, और उसके बाद में एक आपका जो बैक का ही प्रॉपर पेपर बन के आता है, तो वो थोड़ा अच्छा रहता है, यानी उसका जो लेंथ रहता है, जो उसका हार्डनेस रहती है वो बिल्कुल कम रहती है, यानी कि इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है, वो थोड़ा सरली बनाया जाता है कि जिससे कि स्टूडेंट पास हो सके। और बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन रहते हैं, तो वो उसके हिसाब से रहता है। लेकिन जो कॉमनली जो चीज रहती है, कॉमन बिल्कुल हर यूनिवर्सिटी में जैसा चलता है, वो यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं, इसलिए आप सभी छात्रों को बोल रहा हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, ठीक है। अब ईएलडी की बात करते हैं, देखो ईएलडी में भी 3 या 4 मौके दिए जाते हैं, लेकिन ईएलडी में एक तरीके से फेल होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ईएलडी में जैसे क्या रहता है, अब कुछ छात्रों के ये कमेंट रहते हैं कि सर जैसे मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, तो मेरे कितने सब्जेक्ट में बैक लग जाए जिससे कि मुझे डायरेक्टली फेल कर दिया जाता है। तो देखिए अगर आपके जैसे 4 सब्जेक्ट है, लगातार 4 सब्जेक्ट में आपके बैक लग गई या 5 सब्जेक्ट में आपके बैक लग गई, अगर आप थर्ड ईयर में भी हो तो आपको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में डाल दिया जाता है। लेकिन देन यानी तुलना में बात करें सेमेस्टर की, सेमेस्टर में अगर आपके 6 सब्जेक्ट